तो हे गाइस, मैं रविंद्र कुमार स्वागत करता हूँ अपनी एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉब कार्ड बनाने के बाद जॉब कार्ड को इश्यू कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब कार्ड इश्यू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सर्च बार में टाइप करना है नरेगा, फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का डैशबोर्ड आएगा, ऊपर क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। डाटा एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपने राज्य पर क्लिक करना है। आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री यानी ग्राम पंचायत की नरेगा यूज़र आईडी का पोर्टल खुल जाएगा। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन एज जॉब कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, D1, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इश्यू प्रिंट जॉब कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको सिलेक्ट विलेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अपने ग्राम पंचायत को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपने जो भी जॉब कार्ड्स बनाया था वो नंबर जब आपको प्रोवाइड किया था वो आप यहाँ पे नंबर डाल दें, या तो आप इस लिस्ट में नाम देख लें जिनका भी जॉब कार्ड इशू नहीं है। यहाँ पे आपको यश के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है, टिक टू इशू एस जॉब कार्ड प्रिंट, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जिस दिन आप इशू कर रहे हो वो डेट आपको डाल देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट है 18। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये जॉब कार्ड इशू हो जाएगा और आपको एक ऊपर मैसेज देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं एक डेमो के लिए ये वीडियोस बनाया था क्योंकि मुझे कोई भी अभी जॉब कार्ड इशू नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो जॉब कार्ड है वो इशू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे रिलेटेड अभी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।